एसएससी कराकर आज से हम 20 दिन, जब तक एसएससी सीजीएल है एक महीना अभी बाकी है, मैं 20 दिन टाइम लूँगा आपका और हर दिन आप इस वीडियो को एक एक में अपलोड करूँगा, एक एक आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम फ्रेजेस एंड कुछ ग्रामर का कुछ दूसरा, जैसे इंप्रूवमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट में जैसा आपका प्रीपोजिशन चार्ट आ जाता है, ऐसे कुछ मैं लेके आपको 20-25 दिन में आपका ख़त्म करूँगा। 20 दिन में टाइम लेता हूँ आपको, जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था वो सब ख़त्म करूँगा। ऐसे जैसे ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया एंड इडियम फ्रेजेस हो गया, जितना भी और ट्रिक के भी साथ जैसे आपको याद रहेगा। और उसके सिवा मैं 15-10 मिनट में हिंदू एडिटोरियल भी लूँगा आज से, क्योंकि आज एक महीना बाकी है तो एसएससी हिंदी एडिटोरियल भी पूछ सकता है वो, अगर भी पूछेगा और क्वेश्चन वो इसी महीने में जितना भी एडिटोरियल पेज में वोकैब आया है उसी से पूछेगा, पहले महीने का नहीं पूछेगा। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा। ये पहले पेन उठा लेता हूँ। ओके, मैं पेन ले गया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक कुछ है, इसको थोड़ा आप नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर काफ़ी है लेकिन इसको भी थोड़ा मैं हर दिन 15-20 दूंगा इसका भी। जैसे स्टैटिक हो गया ये वाला, ये स्टैटिक वोकैब है तो इसको वे थोड़ा याद करेंगे अच्छा है। जैसे अवांडन, अवांडन पहले है, अवांडन, अवांडन का मेन है कि त्याग करना, लीव, गिव अप, जिसको त्याग करना जैसे बोलते हैं, अवांडन का मतलब त्याग करना। ओके, रिपील हो गया, रिपील सर, रिपील तो मना करने से सेंस में आएगा लेकिन ऐसे अवांडन याद रखिए त्याग करना, लीव, गिव अप एंड इसका एंटोनिम्स होगा स्टे, रिटेन। ओके, अबेट, अबेट का मतलब लेसन, कम करना अर्न इंक्रीज करना, अवेट, ए बी ए टी और एक है ए बी ई टी। ओके, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले अभी देखिए ए बी ए टी, अबेट, अबेट का मतलब होता है डिक्रीज करना। ओके, अभोर, ए बी एच ओ आर, अभोर, अभोर का मतलब हेट, घृणा करना, डिसलाइक करना किसको। ओके, उसके बाद अप्रूव आ गया, देखिए अबनॉर्मल, अबनॉर्मल का आपको पता है अनयूजुअल इसको बोलते हैं, अबज्योर, अबज्योर मीन डिस्क्लेम करना, अबज्योर, अबज्योर मीन्स मना करना, रिपिल करना, अबज्योर, रिपिल, आर ई पी ई एल, देखिए आर ई पी ई ए एल, रिपल, इसका भी मतलब होता है अब्जोर एंड इसका एंटोनिम होता है एक्सेप्ट। अब्रुजिनल, अब्रुजिनल, अब्रुजिनल मीन्स नेटिव, मीन्स आप अगर जिस स्थान में रहते हैं उसको आप उसमें आप उसका नेटिव प्लेस है ना तो उसको बोलते हैं अब्रुजिनल। ओके, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मीन्स बाहर से आए हैं। ओके, अब्रुजिनल, इसका स्पेलिंग भी थोड़ा याद रखें, ए बी ओ आर आई जी आई एन ए एल, अब्रुजिनल। ओके, उसके बाद अब्रोटिव, अब्रोटिव का मतलब है फ्रूटफुल, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस का और एक सिनोनिम से मैं बाद में बताऊंगा अभी, वो आएगा प्रीवियस ईयर में, सक्सेसफुल, जिसको फ्रूटलेस, अनसक्सेस, फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल और जिसको बोलते हैं फ्रूटलेस होता है इनफैचुएशियस, उसको बोलते हैं। ओके, इनफैचुएशियस आएगा अभी, मैं बताऊंगा इनफैचुएशियस, एफ ए टी यू आई ए सी आई टी आई ओ यू एस, इनफैचुएशियस मैं बाद में बताऊंगा, वो आएगा अभी। उसके बाद अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है शॉर्टन करना, कट डाउन करना, एक्सपांड करना, अब्रिज, ए बी आर आई डी जी ई, अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब सडन। एंड अब्सकॉन्ड, अब्सकॉन्ड का मतलब है डिक्राम, डिक्राम माने रिमेन, डिक्राम माना इसको तो हटा देना, उसे रिमेन करना। अबंडेंस, अबंडेंस का मीन प्लेंटीफुल, प्रचुर, अबंडेंट, अबंडेंट और अबंडेंट दोनों याद रखिए, अबंडेंट का मतलब होता है किसको गिव अप करना, त्याग करना एंड अबंडेंस का होता है प्रचुर। मीएज, मीएग्री, मीएग्री मीन्स कम। अब्यूज, अब्यूज माने किसको अब्यूज करना आपको पता है, प्रेज। एसिड, एसिड माने असेंट, असेंट, रिफ्यूज, एसिड माने किसको एक्सेप्ट करना, असेंट माने भी एक्सेप्ट करना, रिफ्यूज। अकम्प्लाइस माने फिनिश करना, जिसको अकम्प्लाइस के आता है आपका वन ईयर सब्स्टिट्यूशन अकम्प्लाइस। ओके, अकर्ड, अकर्ड मीन्स एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं कोविनेंट और एक इसका है कोविनेंट, सी ओ वी ई एन ए एन टी, डिस्कॉर्ड, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड आइए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आया था, एक क्वेश्चन एस एस सी 1997 सब क्वेश्चन आया था। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा अबनोक्सियस, अबनोक्सियस का मतलब होता है इतना याद रखिए अनप्रेजेंट, इसका ऑप्शन है टू, ऐसे ही ऑप्शन आया था एस एस सी सीजीएल में। और मैं बता देता हूँ आपको, डिप्रेसिंग का मतलब होता है डिप्रेस में रहते हैं, अरोगन का मतलब आपको पता है, फिल्दी आपको पता होगा नहीं होगा फिर भी पता तो होगा आपको, पता है क्योंकि आप एस एस सी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो फिल्दी का मतलब होता है जिसको मैंने जिसके बारे में कुछ बोलना अनप्रेजेंट बोलना। ओके, ये मैं लिखे थे क्रिटिसाइज टू समवन अनप्रेजेंट मैनर। ओके, किसको इसके बारे में कुछ अनप्रेजेंट मैनर में बोलना। ओके, इसको बोलते हैं फिल्दी। ओके, उसके बाद कोविनेंट, अभी मैं बोला था सी ओ बी ई एन ए एन टी, कोविनेंट, सॉरी
कॉविनेंट का मतलब है कंट्रैक्ट, ओके, कॉविनेंट मतलब कंट्रैक्ट, ओके, एग्रीमेंट, ओके, फ्लैटरी मीन्स प्रेज। आपको भी जो चारों ऑप्शन दिया है उसको भी थोड़ा, उसका भी सुनने या मीन्स आपको याद रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब नहीं, जो जो पूछा था वो पूछ लेगा, ओके। नेक्स्ट, डी डिफरेंस, डी ई एफ ई आर ई एन सी, डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ओके। फ्लैटरी का मतलब है जिसको चापलूसी बोलते हैं, प्रेज, फ्लैटरी का, ओके। सिंपैथी आपको पता है, इंडिफरेंस भी आपको पता है। उसके बाद देखिए अब्रोगेट, अब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना, मना कर देना, अब्रोगेट, ओके। डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिले आपको पता है, डिसमिस आपको पता है, अब्रोगेट का मतलब मना कर देना, रिपील कर देना। इंट्रिप्ट, आई एन टी आर ई पी आई डी, इंट्रिप्ट का मतलब होता है फियरलेस, इसको भय नहीं आता। एम्बिशियस का मतलब पता है, डिटरमाइंड का मतलब पता है, जो ठान लेता है मैं ये चीज़ करूँगा उसको बोलते हैं डिटरमाइंड। टॉकेटिव मतलब आपको पता है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, डिटरमाइंड, ओके। ग्रैंडियर, ये थोड़ा क्या है ना, इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखें। ग्रैंडियर मीन्स देखिए ग्रैंड प्रीमियर, इसे देखिए ग्रैंड प्रीमियर, ग्रैंड प्रीमियर, ग्रैंड प्लस प्रीमियर, इसको याद रखिए, ग्रैंड प्रीमियर, ओके, ग्रैंडियर, ग्रैंड प्रीमियर, ग्रैंडियर, ग्रैंड प्रीमियर। तो इसमें ग्रैंड प्रीमियर में क्या होता है ना, आप जैसे परफॉर्मेंस, हीरो का परफॉर्मेंस देख के सब इंप्रेस हो जाते हैं, तो इंप्रेशन को बोलते हैं ग्रैंडियर, थोड़ा इंप्रेस हो जाना किसके ऊपर, उसको ग्रैंडियर बोलते हैं। उसका सिनोनिम्स होगा मैग्निफिसेंस। एडमायरेशन आपको पता है, किसका प्रेज करना, किसका सम्मान करना, एडमायर करना। हैप्पीनेस का पता है, वो भी ए डब्ल्यू ई, इसको भी याद रखिए, ए डब्ल्यू ई, ए डब्ल्यू ई, ए डब्ल्यू ई, ए डब्ल्यू ई, इसका मतलब भी रिस्पेक्ट करना, लेकिन किसका रिस्पेक्ट करना, लेकिन फियरलेसली, थोड़ा मन में भयभीत होकर उसको रिस्पेक्ट देना, ओके, उसको बोलते हैं ए डब्ल्यू ओ। इंसेप्शन, सॉरी, इंसेप्शन का मतलब होता है ओरिजिन, जहाँ से निकला है इंसेप्शन। इनिशियटिव का पता है, बिगनिंग आपको पता है, इनिशियल भी आपको पता है। कोलोजल, कोलोजल आया था मीन्स एनरमस, लार्ज होता है, जैसे फेमस आपको पता है, एनर्जेटिक आपको पता है, विगोरस भी आपको पता है। अगर विगोरस का मतलब कोई बचा मुझे कमेंट सेक्शन में, आप मुझे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में आप इसको लिखे, जो विगोरस का मतलब क्या होता है। विगोरस का मतलब जो होता है, मैं भी फिर से बता देता हूँ, विगोरियस होता है डिटरमाइंड नेचर, जिसको बोलते हैं वेरी एक्टिव, विगोरियस। इसको भी आप सिनोनिम जो ट्रिक से याद रखते हैं, विगर, विगोरस, विगोरस, ओके, विगोरस, विग और ओस, विगोरस, एक्टिव, ओके। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब है पजल, ओके, पजल में है, चैलेंज आपको पता है, पैराडाइज का पता है, ओके, क्वेश्चन भी आपको पता है। प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट का मतलब होता है क्या होता है ना, रिप्रोड्यूस, जो प्रोलीफरेट होता है ना, वो जल्दी जल्दी जिसको इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं, सडनली इंक्रीज होना उसको बोलते हैं प्रोलीफरेट। इसका सही एंटोनिम्स होगा रिप्रोड्यूस। स्टिपुलेट का मतलब आपको पता है, स्टिपुलेट को ऐसे लगते हैं, स्टिपुलेट, इसको लगते हैं स्टिपुलेट, मीन्स जो बोलना पूरा क्लियरली बोलना, ओके, किस चीज़ को क्लियरली बोलना, टू स्टेट क्लियरली फार्मली देयर समथिंग मस्ट बी डन और हाउ इट मस्ट बी डन, पूरा क्लियरली किसके बारे में बोलना। तो यहाँ पे याद रखते हैं स्टिपू लेट, स्टिपू कॉलेज से लेट हो गया, स्कूल से लेट हो गया, इसीलिए उसको टीचर को पूरा क्लियरली सब बोलना पड़ा क्यों वो लेट हुआ। तो स्टिपू लेट, इसे याद रखते हैं स्टिपू लेट, क्लियरली फार्मली बता देना किसके चीज़ के बारे में, कैसे होगा, क्या होगा, इसको बोलते हैं स्टिपू लेट। सेंस्योर का मतलब क्रिटिसाइज होता है, आपको पता है। अप्रिशिएट का मतलब पता है, ब्लेम का मतलब पता है, अब्यूज का मतलब पता है। सेंस्योर का मतलब क्रिटिसाइज होता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब इंडस्ट्रियस होता है, जैसे डिटरमाइंड होता है, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। डिलीजेंट, दिल्ली का एजेंट, डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट, तो दिल्ली के एजेंट है जो, वो बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत इंडस्ट्रियस पीपल होते हैं, वो बहुत डिटरमाइंड पीपल होते हैं, ओके, और बहुत विगोरियस एक्टिव पीपल होते हैं, ओके। डिलीजेंट का मतलब दिल्ली का एजेंट, इंडस्ट्रियस, ओके। इंटेलिजेंट का पता है, एनर्जेटिक पता है, इंडिफरेंट पता है। कंटेबलेशन, इसको कंटेबलेशन का मतलब होता है, चीज़ छूट गया शायद इसमें, देखिए हाँ इसमें आ गया, सॉरी, कंटेबलेशन यहाँ पे देखिए। कंटेबलेशन का मतलब है, कंटेबलेशन का मतलब है मेडिटेशन, तो इसको आप लगते हैं कंटेबलेशन को याद रख सकते, टेम्पुलेशन, टेम्पुलेशन, ओके, टेम्पुलेशन, कंटेबलेशन, कंटेबलेशन, टेम्पुलेशन। टेम्पुल में जो लेसन सीखने के लिए जाएगा वो पूरा मीडिएट होके जाएगा, मेडिटेशन करेगा, मेडिटेशन होके वो क्वेश्चन वहाँ पे सीखेगा, तो इसका मतलब कंटेबलेशन मेडिटेशन। कंसिडरेशन पता है, स्पेकुलेशन आपको पता है, डिलीवरेशन आपको पता है। स्पेकुलेशन का, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। वो पहले स्पेकुलेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको मैं ट्रिक से बता देता हूँ आपको, स्पेकुलेशन कितने रखेंगे, देखिए स्पेक और लेसन, स्पेक पर लेसन, स्पेकुलेशन, स्पेक प्लस लेसन, इसका मतलब है स्पेक लेसन के बारे में कुछ नहीं जानता, फिर भी वो उसके बारे में सब कुछ बता देता है। सो विदाउट कुछ एक चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में वो बोलता है जैसे उसको सब पता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, ओके। एडोलेसन का मतलब पता है आपको, चपड़ासी बोलना, फ्लैटरी,
ओके, आर्गुमेंट पता है, ड्यूरेशन को पता है, क्विवर मतलब होता है सेक, सेकिंग करना, जो सेक हो जाता है उसको बोलते हैं क्विवर, सेक उसको बोलते हैं ट्रेम्बल, TREMBL, ट्रेम्बल का मतलब भी सेक करना, एंड वेभर, वेभर का मतलब होता है वीक, ओके वीक, वेभर का मतलब होता है वीक। नेक्स्ट, ओके इतना है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं कल से पूरा 20 दिन तक मैं आपको गारंटी देता हूँ सब ODM भेजे सोना एसोसिएशन आपके मुंह में होगा। ओके थैंक यू।